गाइस कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी कुशल होंगे। आज गए थे हम रक्षाबंधन पर अपने गांव राखी बांधने के लिए, तो हमने बांधी राखी भाभी तथा भाइयों के बांधी रक्षाबंधन। हमारे बुआ जी वगैरह भी आए थे, ने भी बांधी राखी। फिर हमारे भी घर आ गए थे भाई साहब रक्षाबंधन पर अपने गाँव हमारे राखी बांधने के लिए भी। फिर उन्होंने बांधी हमारे राखी, अपने भाइयों के भी राखी बांधी। रक्षाबंधन का त्यौहार प्रेम और भाईचारे का त्यौहार होता है। इसमें बहन अपने भाई तथा भाभी की राखी बांधती है। त्यौहार प्यार और प्रेम का प्रतीक है। बहन अपने भाई और भाभी की कलाई पर राखी बांध कर कुशलता की कामना करती है। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध कर बच्चों का वचन मानती है। त्यौहार बहन और भाई के अटूट प्रेम का प्रतीक है। अपने भाइयों को नारियल तथा मिठाई लाती है और कलाई पर राखी बांध कर रक्षा करने का वचन मांगती है। नारियल मिठाई अपने भाई की ड्रेस इत्यादि वगैरह लेती है। त्यौहार हमारे भारत में प्रेम और प्यार का प्रतीक माना जाता है। त्यौहार के ऊपर बहने अपने भाइयों के राखी बांध कर कुशलता की कामना करती है। तो गाइस मेरी बादशाह ने बांधी एक करके सबके राखी खूब धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन का। हम सब ने किया मुँह मीठा और हो रहे थे खूब हंसी और मजाक। सब हंसी और मजाक कर रहे थे। हमारे देवर जी तो हंसी और मजाक करते ही करते हैं। देखिए कैसे हंसी और मजाक कर रहे हैं। दोनों बहन और भाई गर्व रहे अपने भाई का मुँह मीठा से मजाक के साथ। रक्षाबंधन का हमने त्यौहार हम सब ने मुँह मीठा करके बंधवाई राखी। इधर बुआ जी भी अपने भतीजों के बंधी राखी। हम सब ने हंसी खुशी के साथ राखी बंधवाई। तो गाइस हमने भी किया मुँह मीठा। हम सब ने मुँह मीठा करके बंधवाई राखी। छोटा बाबू ने भी किया मुँह मीठा। ये तो नटखट थे। हमने की शाम के खाने की तैयारी। फिर शाम के खाने में बनाया हमने चूरमा। क्या हमारे चूरमा कैसे बनाया जाता है? चूल्हे पे रोटी सेक करके फिर देखिए इसे कूट कर छान कर हमारे दोनों ननद और भाभी ने बनाया चूरमा हंसी खुशी के साथ। मैंने बनाए रोटी, भाई साहब ने कूट कर छान कर रेडी किया। फिर हम सब ने चूरमा खाया। तो गाइस आप देख सकते हो हम कैसे बनाते हैं चूरमा। लेप के ऊपर ऐसे रोटों का बना चूरमा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। उसे कूट कर छान करके से फिर से कढ़ाई में थोड़ा गरम करके फिर शक्कर घी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला करके बनाते हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है कि हमारा ये बन रहा है चूरमा। तो गाइस कमेंट में जरूर बताइए हमारा कैसा लगा वीडियो। आपको ऐसे बनाया जाता है हमारे गांव में चूरमा। हम ऐसे ही बनाते हैं, फिर इसे गरम करके थोड़ा बारात मीठा छान कर कूट करके इसे हमारे भाई सा छान रहे हैं। तो गाइस हम दोनों ननन भाभी ने मिल गया है चूरमा। हमारा चूरमा बनकर हो गया है रेडी। तो गाइस हमारा कैसा लगा वीडियो। राम राम। मिलते हैं अगले व्लॉग में।